ये गन फट गया। Moments later. ये बस तो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद सब आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आप लोग के यहाँ पे सोलो में रैंक क्या चल रही है मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो यहाँ पे इवेंट पे उतरते उतरते ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवाइस लैग मारता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे न्यू इवेंट लिया है और अपन उतरेंगे आप रेगुलर टेम्पल पे। और टेम्पल पे उतरने के बाद यहाँ से अपन लेंगे एक रिकॉल, और रिकॉल लेने के बाद फिर चलेंगे अपन बंदों को मारने के लिए। क्योंकि गाइस अपन जब टेम्पल पे उतरते हैं ना तो वहाँ पे बहुत गंदा डिवाइस लैग मारता है, वहाँ पे किल तो नहीं निकाल पाते हैं। कम से कम 3 से 4 मैच उतर चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे एक भी किल नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे मैं नई लोकेशन पर उतर रहा हूँ, जो टेम्पल होते ना वहाँ पे उतरने के बाद यहाँ से अपन पेटियों में से ढूंढेंगे रिकॉल और फिर चलेंगे बंदे मारने के लिए। क्योंकि ऐसा सबसे वेस्ट होने वाला है अगर आप उतरते ना तो इवेंट पे ना, तो वहाँ पे आप लोग को किल तो नहीं मिलते मेरे को इतना गारंटी से कह सकता हूँ, जिसका नॉर्मल डिवाइस हो। और आईफोन वाले बंदे तो आराम से उतर सकते हैं, जो हाई डिवाइस है ना वो आराम से उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं उतर सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू लोकेशन ट्रैक्स की है जहाँ पर मैं टेम्पल में उतरूँगा आपसे, और टेम्पल पर उतरने के बाद यहाँ से आराम से किल निकालूंगा एक दो और चलेंगे फटाफट फिर टेम्पल पर, और टेम्पल पर भी निकालेंगे एक दो किल और फिर मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है। तो समय पहले यहाँ से फटाफट लूट कर लेते हैं, अपने पास रिकॉल तो मिल चुका है। अब यहाँ से अपन कर रहे हैं कॉइन कलेक्ट, क्योंकि अपन ने कॉइन नहीं 100 कॉइन कर लेना तो अपन यहाँ पे लास्ट राउंड में BIDM मंगा सकते हैं। और आजकल BIDM भाई मंगाने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि मॉश है ना ये अपन को मतलब जोन के बाहर फेंक देता है BIDM को, और अपन जोन में फिनिश हो जाते हैं। उन लोग को किल तो नहीं मिलता है गाइस, एक बंदा कम कर देता है। तो चलो पहले फटाफट यहाँ से निकलते हैं रिकॉल की तरफ और अपन जाना है टेम्पल पे, सॉरी इवेंट पे, क्योंकि इवेंट पर जाके एक दो अपन को किल भी निकाल लें। और BIDM की बात बता दो, यहाँ पे अपन BIDM लास्ट जोन में लेते हैं ना, तो जोन बड़े वाले मॉन्स्टर होते हैं ना, ये देखो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मॉन्स्टरों को, क्योंकि बाइस अपन जैसे जा रहे हैं ना तो बाइस गाड़ी में उठा के फेंक देते जोन के बाहर। ऐसा मैं 2-3 बार मर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ भाई, इतनी मेहनत से अपन BIDM लेते हैं और वो अपनी नुकसान हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे देखो 100 कॉइन हो चुके हैं, मैंने आराम से कलेक्ट कर दिए। अब मैंने यहाँ पे रास्ते में कहीं से फेंक दिए 100 कॉइन, अगर मैं वहाँ पे मर गया ना एक्चुअली तो मैं आऊँगा यहाँ पे 100 कॉइन उठाने के लिए और यहाँ से वो मंगाऊँगा अपन BIDM में, चलेंगे सीधा लास्ट में। अब देखो अपन आ चुके थे इवेंट पे, अब समय पहले यहाँ पे इवेंट की पूरी फायर देखो और देखना यहाँ पे बंदे को कैसे फिनिश करेंगे। अब देखो मैंने इस बंदे से यहाँ पे थर्ड पार्टी करके ये फाइट जीत ली है, और यहाँ पे एक प्यारा सा किल पा लिया मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी करके। अभी भी यहाँ पे पिक्चर बाकी है कि अभी यहाँ पे 4 बंदे ऑलरेडी अलाइव हैं और मेरे को फाइट बहुत देर तक लेनी है इन बंदों से। तो समय पहले यहाँ पर देखो फटाफट क्या होता है, सामने थड़े हुए बंदे आपस में फाइट ले रहे होते हैं, तो नीचे चलते हैं पहले फटाफट यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव कहते हैं, क्योंकि अपन लोग जितना सर्वाइव करोगे ना उतना अपन लिए बेटर होने वाला है। तो चलो पहले थोड़ा सा यहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं अपन। I got supplies.
अपन इस बोट का किल तो ले लिया है, अब यहाँ से मैं जाता हूँ ना तो यहाँ पे मैं आगे जाके मर जाता हूँ। मैं आप लोग को वो क्लिप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं बहुत गंदा उतरा हूँ गाड़ी से, इतना गंदा कोई मान नहीं सकता, इसलिए मैं आपको क्लिप नहीं दिखाने वाला हूँ। चले फटाफट दूसरे वाले गेम प्ले में यहाँ चलते अपन। अब देखो अपन आ चुके हैं यहाँ पे दूसरे वाले गेम प्ले में, और जाता हूँ मैं यहाँ से एक गाड़ी उठाने के लिए क्योंकि मेरे से कॉइन है ना वहाँ पे ड्रॉप कर देते, मेरे को कॉइन भी उठाने थे, उससे पहले मर जाता हूँ यहाँ पे। तो चलो पहले फटाफट यहाँ पे आराम से गाड़ी पे लैंड करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी पे लैंड करता हूँ ना मैं तो मेरे को यहाँ पे एक बोट मिलता है नीचे साइड को, पहले उसको फिनिश करते अपन लोग। अब देखो इस वाले बोट को फिनिश करने के बाद ना मैं इस बंदे की यहाँ पे पेटी लूटने की कोशिश करता हूँ, और उतने में यहाँ पे एक बंदा जो यहाँ पे ऊपर जाके कैम करके बैठा हुआ था वो मेरे पे बहुत गंदा स्प्रे करता है। पहले ये देखो यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे मैं बचा कैसे मेरे को तो नहीं पता, मेरी यहाँ पे किस्मत ही है यहाँ पे 1 HP मैं ऑलरेडी बच चुका हूँ। अब वो वाला बंदा सीधा यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पे पुश कर देता है क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। अब बंदा यहाँ पे मेरे पे सीधा डायरेक्ट पुश करता है, तो मैं यहाँ पे उसकी गाड़ी देख लेता हूँ, राइट साइड में यहाँ पे उसकी गाड़ी आती है। देखो राइट में आपको गाड़ी दिखी होगी यहाँ से, अभी फिलहाल के मेरे को नहीं दिख रही, मैं पीछे साइड देखता हूँ तो मेरे को दिखती है। तो यहाँ पे गाड़ी देखो बंदे ने घर में लगा ली है, तो मैं जाता हूँ फटाफट नीचे साइड को क्योंकि आपको पता है अगर वो बंदा मेरे को फिनिश कर देना तो यहाँ पे ना बहुत गंदा मेरे को डैमेज पड़ने वाला है। अब जैसे ही इस पे आता ना तो यहाँ पे मेरे को ना एक फ्लेंग गन मिलती है, तो यहाँ पे फ्लेंग गन चलाने के बाद उठा लेता हूँ। आप सीधा चलते हैं यहाँ से लास्ट जोन में। अब लास्ट जोन में यहाँ पे आराम से मैं होल्ड कर रहा था, उस बंदे के यहाँ पे जाने का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अपने उस बंदे के चक्कर में यहाँ पे अपन खुद फिनिश होने वाले हैं जोन में। लेकिन अपन ने उस बंदे से बलदा जरूर लिया, अपन ने उस वाले बंदे को यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे। अब देखो यहाँ से बंदे भागने की कोशिश करेगा, अब मैंने इस वाले बंदे को ना बहुत गंदा डैमेज दिया है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे ये वाला ग्लिच है ना, ये मेरे साथ ही लगा है कि हर बंदे के साथ है। गाड़ी ना आजकल बहुत ज़्यादा लेट फूट रही है, पता नहीं क्या ग्लिच चल रहा है, BGMI वालों का ग्लिच है कि यहाँ पे अपने डिवाइस का ग्लिच है मेरे को नहीं पता है। प्लीज़ आप लोगों को पता है ना मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। और गाइस आज की वीडियो में इतने रहेगा क्योंकि जोन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये वीडियो आप लोग को यहाँ पे कैसी लगी है प्लीज़ मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अगर आप लोग को यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेगा अपन ऐसे नई कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेगा अपन कल नेक्स्ट वीडियो में।